हेलो पटेलो, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। तो आज की वीडियो में अपन थोड़ा हटके टॉपिक देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस में हम डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, सीएसवी फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं यूजिंग पाइथन। तो ये मेन पावर बीआई सीरीज के थोड़ा हटके टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के अनुसार। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले डेटा टू इन्फो .com पे जाने का, यहाँ पे अपन आर्टिकल्स लिखते हैं डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के रिलेटेड, जाके पढ़ने का। आ जाते हैं MySQL वर्कबेंच पे। ठीक है, मेरे पास MySQL वर्कबेंच है, इसमें मैं डेटाबेस बनाऊंगा। ठीक है, तो अपना आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तू पावर बीआई यूज करते हो, तुम्हारे पास रेडीमेड डेटा मिलता है, जैसे सीएसवी फाइल होगी, पीडीएफ फाइल होगी, तुम किसी डेटाबेस से डेटा ले लेते हो, है ना। बट उस डेटाबेस में डेटा आता कैसे है, फिर उस डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है ना, इस इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो ये सब हम देखेंगे यूजिंग पाइथन। ओके, हम एक नॉर्मल तरीका भी देखते हैं और एक यूजिंग पाइथन भी इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये काम की चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरे पास MySQL वर्कबेंच है तो मैं MySQL यूज करूंगा, हम इसमें एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, नया इंस्टेंस फटाक से, और कनेक्शन का नाम देता हूं डेटाबेस इंपोर्ट फाइल। नाम दे दो, होस्ट नेम याद रखो, देखो होस्ट नेम याद रखो और यूजर नेम याद रखो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड क्या दें, YOUPUBE@1234 ऐसे दे देते हैं, है ना। मैंने ऐसा कुछ पासवर्ड दे दिया यहाँ पे, ओके कर देते हैं। कनेक्शन फेल, एक्सेस डिनाइड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कनेक्शन टेस्ट करने के लिए मुझे मेरा पासवर्ड डालना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया। तो जब तुमने MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल करा होगा, तुमने पासवर्ड दिया होगा ना, तो वो कनेक्शन टेस्ट करने के लिए होता है। देखो अब सक्सेसफुल हो गया, मैंने कुछ और भी डाल दिया था। ठीक है, ये ओके कर देते हैं, एक नया यहाँ पे कनेक्शन तैयार हो गया, उसको ओपन मारते हैं। अब मैं ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ, मतलब डेटाबेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करने का, फाइल कैसे इंपोर्ट करने का। ठीक है, तो ये यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल डेटाबेसेस है। एक मैंने YouTube नाम का डेटाबेस क्रिएट करके रखा है। अब इसको YouTube नाम के डेटाबेस को कैसे क्रिएट करने का, मैं इसको डिलीट मारता हूँ, एक काम करता हूँ, और फिर एक बार इस स्कीमा को डिलीट मारता हूँ। ठीक है, फिर एक बार क्रिएट करता हूँ। कैसे क्रिएट करोगे, देखो ये डिफॉल्ट होते हैं पहले डेटाबेसेस। यहाँ पे लिखो क्रिएट डेटाबेस, एक क्वेरी होती है ना, और डेटाबेस का नाम दे दो, जैसे YOUPUBE YouTube नाम दिया मैंने, सेमीकोलन सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, थोड़ा वेट करो, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड का स्कीमा, इसको करो रिफ्रेश। अब ये देखो ये YouTube नाम का डेटाबेस अपने पास क्रिएट हो गया। अब इसको तुम एक्सपांड करोगे, इसमें टेबल्स है, टेबल्स नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट हुआ है। अब हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके, एक ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ और एक यूजिंग पाइथन जो अपन करने वाले हैं वो बताता हूँ। देखो हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ पे टेबल पे क्लिक करने का, सो राइट क्लिक करने का, और यहाँ पे लिखा होगा टेबल डेटा इंपोर्ट विजर्ड, उस पर क्लिक करो। ठीक है, ब्राउज करो, तुम्हारे पास अगर कोई सीएसवी फाइल हो, जैसे मेरे पास ये मूवीज करके सीएसवी फाइल है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। इसको क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट मारूंगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, क्रिएट अ टेबल, ठीक है, मूवीज नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा, मैं उसको नेक्स्ट मारूंगा। ये देख लो पहले अच्छे से कि कितने इसमें कॉलम्स है, चार कॉलम है अपने पास, बजट, आईडी, रन टाइम और टाइटल। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, और ये डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है पर डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। हो जा भाई, ये क्या हो रहा है। तो ये हो गया डेटा इंपोर्ट, इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखो जब रिफ्रेश करोगे ना, इसके सामने एक एरो आ जाएगा, उसको ओपन करोगे तो तुम देखोगे कि मूवीज नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, तुम उसका डेटा भी देख लो, कैसे देख लोगे। अब इस डेटाबेस क्रिएट तो कर दिया तुमने, उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो यूज पहले डेटाबेस का नाम लिखो, YOUPUBE YouTube। ठीक है, यूज YouTube, तो ये यूज होने लगेगा। उसके बाद हम सिलेक्ट स्टेटमेंट डालेंगे, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम मूवीज है ना, इस तरह से अपन एसक्यूएल क्वेरी भी लिखते हैं। ठीक है, ये देखो ये मुझे अपना डेटा दिखा रहा है मूवीज टेबल का, बराबर है, ठीक है। बट ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया है ना, मैं क्या चाहता हूं कि मैं पाइथन यूज करके डेटा इंपोर्ट करूं MySQL डेटाबेस में। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, लेट सी, पहले काम करते हैं, निकाल देते हैं ये टेबल निकाल देते हैं। ठीक है, ये मूवीज टेबल है ना, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल, देखो ड्रॉप टेबल ऑप्शन होगा, ड्रॉप कर देते हैं। अब यूट्यूब डेटाबेस है एज इट इज, उसको एज इट इज रखते हैं। अब आ जाते हैं जहां पर मेरी फाइल है, ये मूवीज फाइल है, मैं यही मूवीज फाइल को क्या करता हूँ, थोड़ा क्लीन करता हूँ, एक नया टेबल बनाता हूँ और वो क्लीन डेटा उस नए टेबल में इंसर्ट करता हूँ। तो तुम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो पाइथन लिखने के लिए, पाइथन का कोड लिखने के लिए, मैं जुपिटर यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ से CMD ओपन कर लेता हूँ, जुपिटर ओपन करना है, जुपिटर कैसे ओपन करोगे, पाइथन हाइफन एम नोटबुक, ये होता है ना पाइथन हाइफन एम नोटबुक, प्रॉब्लम लगता है जुपिटर ओपन होने में, जुपिटर लैब ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। ठीक है, इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अपना फोल्डर है मूवीज का, मूवीज डॉट सीएसवी की फाइल भी है। ठीक है, तो यही पे काम करते हैं, एक नया ये लेते हैं फाइल, पाइथन की फाइल जुपिटर की। ठीक है, और यही पे अपन कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि पाइथन यूज करके डेटा इंपोर्ट करना है अपने डेटाबेस में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथन का डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तभी हम क्वेरी लिख पाएंगे एसक्यूएल क्वेरीज, बराबर। तो जो नेसेसरी फाइल्स है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे हो गया इंपोर्ट numpy as np, है ना, इंपोर्ट कर लो क्योंकि अपन ने पहले किया हुआ, चाहे इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट पाई MySQL। अब देखो तुम्हारे पास ये पाई MySQL अगर नहीं होगी तो इंस्टॉल कर लेना। देखो मैं ये करता हूँ, इसको रन करता हूँ, और ये मेरे पास है इसलिए मुझे एरर नहीं दिखा रहा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्या करोगे, तुम pip install पाई MySQL तुम ये रन करोगे पहले। ठीक है, तब जाके वो रन होगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, मैं इसको क्या करता हूँ फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं पाई MySQL और SQL और ये पाइथन के बीच में। कैसे करेंगे, पहले अपने को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, माई कनेक्शन इज इक्वल टू पाई MySQL डॉट कनेक्ट। यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर देने पड़ेंगे, जैसे होस्ट पैरामीटर हो गया, यूजर पैरामीटर हो गया, पासवर्ड या डेटाबेस भी दे सकते हो, तो वो दे देते हैं जल्दी से। ओके, तो देखो मैंने पैरामीटर्स दे दिए यहाँ पे, होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हो गए, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत आ रही है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब क्या करते हैं, एक कर्सर का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, वो भी हमें काम आएगा, कर करके माय कनेक्शन। बट कर्सर, इसके बाद क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू ed डॉट
read_csv, ये पता है ना कैसे करते हैं, मेरे पास क्या कौन सी csv फाइल थी, मूवीज करके थी, movies.csv। तो ये इस movies.csv में अपने पास पहले से डेटा है, ठीक है, मैं बताता हूँ ये कैसे है। इसको पहले रीड कर देते हैं, ठीक है, वो भी रीड हो जाने के बाद काम करते हैं, उसको दिखाता हूँ कैसे, df.head करके दिखाता हूँ और टॉप टू रोज ही दिखाता हूँ। अब देखो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैंने टॉप टू रोज ही दिखाई, तो इस टेबल में अपने पास चार कॉलम्स है, बजट, आईडी, रन टाइम और टाइटल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा डेटा है, तो कितना डेटा कितना है बहुत होगा मेरे ख्याल से, बट उसमें कुछ ना इनवैल्यूड वैल्यूज भी होगी, कुछ नैन वैल्यूज भी होगी, नॉट अ नंबर वैल्यूज है ना, नॉन वैल्यूज भी होगी, तो डेटा को क्लीन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो डेटा क्लीन करेंगे थोड़ा बहुत, मैं पूरे डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं एक एक क्लीनिंग प्रोसेस बताऊंगा जो होती है। देखो df.drop nan, अभी drop nan क्योंकि मुझे पता है मेरे डेटा में ना nan कीवर्ड ज्यादा है, जैसे ये रन टाइम हो गया, रन टाइम में तो इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, तो वहां पे nan कीवर्ड्स भी है, nan वैल्यूज भी है यानी, तो वो nan वैल्यूज ड्रॉप करने के लिए मैंने drop nan का nan का ये रखा, nan ने सॉरी drop ना na, drop na, ड्रॉप एन ए का फंक्शन इस्तेमाल करा, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो क्या होगा कि जो एन ए एन की जो वैल्यूज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी अपने टेबल से। अब ये जो नया अपडेटेड टेबल है इसको एक नए टेबल में इंसर्ट करते हैं, है ना, तो नए टेबल में इंसर्ट करने से पहले अपन को नया टेबल भी बनाना पड़ेगा एसक्यूएल की क्वेरीज लिख के, तो वो कैसे बनाएंगे ये देखो, कर डॉट एग्जीक्यूट मारते हैं, अभी इसमें डबल कोट्स के अंदर हम क्वेरीज लिखेंगे, टेबल को क्रिएट करने की क्वेरीज क्या है, क्रिएट टेबल, नाम क्या देते हैं, अपने पास तो मूवीज नाम का टेबल पहले ही है, तो मैं इसको मूवी वन दे देता हूँ, मूवी वन नाम देता हूँ इस नए टेबल को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये रहा, इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम से, बजट कॉलम से बजट दे देते हैं, बजट उसका क्या है, वैर कैर डेटा टाइप देना पड़ेगा ना उसका 20, उसके बाद आईडी दे देते हैं, आईडी में क्या है, वैर कैर 20 दे देते हैं, और कौन सा है, रन टाइम है ना, रन टाइम को इंटीजर रहने देते हैं, कॉमा करके फिर क्या है अपने पास, टाइटल इसको टेक्स्ट दे देते हैं, टाइटल टेक्स्ट में बराबर। ये तो हो गया क्रिएट टेबल का एसक्यूएल क्वेरी, है ना, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जब जीरो आएगा मत समझ जाओ कि ये एग्जीक्यूट हो गया, टेबल क्रिएट हो गया, अभी तक उसमें कुछ इंसर्ट नहीं किया है, कि टेबल क्रिएट हो गया ये कंफर्म कैसे करें, MySQL वर्कबेंच पे जाते हैं, इस पर यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो मूवीज मूवी वन नाम का टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने जुपिटर पे, अब हमें इंसर्ट क्वेरीज लिखनी है, इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं, और उसमें ये डेटा जो ऊपर वाला है df में, df में सारा डेटा है ना अपने पास, तो ये df वाला डेटा उस इंसर्ट क्वेरी के थ्रू फॉर लूप यूज करके उसमें एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलो sql इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पर, यहीं पर लिख लेता हूँ, इंसर्ट इंटू टेबल का नाम क्या है, मूवी वन दिया था ना, मूवी वन, ठीक है, ये क्या होता है, ब्रैकेट वैल्यूज और ब्रैकेट, ठीक है। अपने पास क्या है, चार कॉलम से, तो अपने क्या देते हैं, 4% क्योंकि ये सिर्फ हम इंसर्ट की क्वेरी लिख रहे हैं, यहाँ पे हर एक रो के लिए हम इंसर्ट का क्वेरीज नहीं लिखते बैठेंगे, हम फॉर लूप लगा के उसको उसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेरी पहले लिख लिया अपन ने, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, इंसर्ट में कौन से कॉलम्स है, उस कॉलम्स में हम इंसर्ट कर रहे हैं, हमारे चार कॉलम्स है ना, उस चारों कॉलम्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे बजट हो गया भाई, तो बजट, बजट के बाद क्या है, आईडी है, क्या है, रन टाइम है, ठीक है, उसमें टाइटल है,
ठीक है, इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। कोई एरर आ रहा है क्या? कोई एरर नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। अब देते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में हम क्या लिखते हैं, हम फॉर लूप में टपल्स क्रिएट करते हैं, और टपल्स क्रिएट करने के बाद मतलब तो हर एक रोज को टपल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और टपल में कन्वर्ट करने के बाद उसको कमिट मारते हैं, ऐसे करते हैं। फॉर आई इन रेंज जीरो से स्टार्ट करेंगे और आखिर तक जाएंगे, जितना भी डेटा होगा डीएफ में, डीएफ में जितने भी डेटा होगा उसकी लेंथ तक जाएंगे, ठीक है। कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट तो है, डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। क्या एग्जीक्यूट करेंगे? एसक्यूएल का इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी मतलब कौन सा? ये वाला एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल कॉमा। और क्या इंसर्ट करना है उसमें? वैल्यूज कौन सी इंसर्ट करनी है? डीएफ वाली, तो उसको टपल बनाएंगे डीएफ वाली को, ठीक है। टपल क्यों बनाए? टपल होता है इम्यूटेबल, है ना, आई एल ओ सी आई। अब आई एल ओ सी क्यों लिया मैंने? आई एल ओ सी क्या करता है? आई एल ओ सी ये लोकेशन पे जाके रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा को सिलेक्ट करता है ना, तो डेटा को सिलेक्ट करेगा और इसको इंसर्ट मारेगा, समझ में आ गया, ठीक है। और इसको कमिट भी तो करना पड़ेगा, हाई कनेक्शन बट इसको करो कमिट, एरर नहीं आना चाहिए भाई, एग्जीक्यूट हो जा। जब तक स्टार है मतलब वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा होगा अपने पास, ये जैसे स्टार चला जाएगा तो प्रोसेस खत्म कर देगा, हो गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जाके अपने डेटाबेस में MySQL वर्कबेंच पे, अब इसमें डेटा है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? इस मूवीज वन में डेटा है कि नहीं अपन चेक करते हैं ना, डायरेक्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वन है ना अपना टेबल का नाम, इसको एग्जीक्यूट मारते हैं। ये देखो, अब ये मूवी वन में भी डेटा आ गया एज इट इज। तो इस तरह से इसका रिकॉर्ड कितना है, उसका काउंट देखते हैं, काउंट कितना है इसका, 4802। हाँ, बहुत सारे रिकॉर्ड थे। तो क्या किया अपन ने, अपने पास एक सीएसवी फाइल थी, उस सीएसवी फाइल को डेटाबेस में इंपोर्ट करना था यूजिंग पाइथन। तो अपन ने क्या किया, उस सीएसवी फाइल को पहले हमने क्लीन किया, मतलब उसके जो नैन वैल्यूज थे वो निकाल दिए ड्रॉप एन ए मेथड से। आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, देखो इस ड्रॉप एन ए मेथड ने कहा गया थे, हाँ बोले तो इस ड्रॉप एन ए मेथड ने डेटा को थोड़ा क्लीन किया, ठीक है। तो ये डीएफ में अपने पास पूरा डेटा फ्रेम था, फिर क्या किया अपने एक नया टेबल क्रिएट किया यूजिंग क्रिएट टेबल मूवीज क्वेरी, एसक्यूएल की क्वेरी थी ना, उसको एग्जीक्यूट की, फिर इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, ठीक, सिर्फ फॉर लूप यूज करके उस इंसर्ट क्वेरी को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करा यूजिंग फॉर लूप, टपल बना के, ठीक है, और उसको कमिट करा, और फिर उसको इस कनेक्शन पे इंसर्ट करा। ये कौन सा कनेक्शन है? ये वही यूट्यूब डेटाबेस वाला कनेक्शन है जो हमने क्रिएट करा था, ठीक है, ये टेम्पररी क्रिएट करा था। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि किसी डेटाबेस में यूजिंग पाइथन हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गूगू गागा चेक आउट दिस वन।